नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नीरव त्रिवेदी, आपका बिजनेस कंसल्टेंट एंड प्रोडक्टिविटी कोच। दोस्तों आज हम बात करेंगे MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। पूरे वीडियो को देखते रहिएगा और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। दोस्तों हर एक इंडस्ट्रीज में अगर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, और जो मिड साइज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वहाँ पे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बहुत कमी रहती है। इसकी वजह से आमतौर पे इंडस्ट्रीज जो डिसीजन लेती हैं वो डिसीजन अपने खुद के बलबूते पे ऊपर, पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर या अपनी फीलिंग्स के ऊपर लिए जाते हैं। और काफ़ी टाइम हमने ये ऑब्जर्व किया है हमारे 20 साल के एक्सपीरियंस में इंडस्ट्रीज के साथ कि उनके जो डिसीजंस आते हैं वो इतने करेक्ट नहीं होते हैं और इस वजह से इनकी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं रहती है या उनको कहीं ना कहीं आगे चल के स्केलेबिलिटी नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं वो यहाँ पे MIS क्यों ज़रूरी है और किस तरह से बना सकते हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे। पूरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो आपके जितने डिपार्टमेंट हैं उसके डिपार्टमेंट के कुछ एक क्राइटेरिया हैं, वही क्राइटेरिया को आपको पकड़ना है। यानी मान लीजिए अगर आप सेल्स की बात कर रहे हैं तो सेल्स का क्राइटेरिया है सेल्स को कैसे ग्रो करें। अगर आप अकाउंट्स की बात कर रहे हैं तो आपकी इंडस्ट्रीज में प्रॉफिटेबिलिटी कितनी आ रही है और कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम अच्छे से हो रहा है कि नहीं, वो प्रोडक्शन से तो टाइम पे डिलीवरी हो रही है या रिजेक्शन सही से मिल रहा है या उसके डेटा करेक्ट है, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रांग है तो आपके डिसीजन डेटाबेस के ऊपर आधारित रहेंगे और ना कि किसी के थॉट प्रोसेस के ऊपर। हमने ये देखा है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम न होने की वजह से हम लोग इंडस्ट्रीज में क्लैरिटी नहीं मिलती है, उनके जो सबसे बड़े प्रॉब्लम है वो उनको नज़रअंदाज कर जाते हैं और कुछ एक क्राइसिस मैनेजमेंट में काम करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज अपने आप में खो जाती है और वो आगे नहीं आ पाती हैं। दूसरी जो चीज़ें हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को रोज़ मॉनिटर कीजिए, अपने सिस्टम को प्रोएक्टिव बनाइए। MIS को प्रोएक्टिव बनाने का काम जितना जल्दी आप कर सकते हैं उतनी आप अपनी इंडस्ट्रीज की रिकवरी फास्ट और बेहतरीन कर पाएंगे। जैसे अगर आपका सेल्स का टारगेट है पूरे साल का 12 करोड़ तो आपको ये 12 करोड़ का टारगेट पूरे महीने में डिवाइड कीजिए 12 महीने में, तो हर महीने का टारगेट आएगा 1 करोड़ रुपये, और 1 करोड़ रुपये को हर रोज़ के टारगेट में डिज़ाइन करेंगे या डिफाइन करेंगे तो 4 लाख रुपये का टारगेट आएगा। तो आपका मॉनिटरिंग सिस्टम डेली बेस पे कर लीजिए, ना कि वो मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली बेस पे कीजिए। नहीं तो क्या होगा कि फिर 3 महीने के बाद आपके पास सिर्फ कहने के लिए रहेगा कि अरे यार फिर आपको ये कहना चाहिए था, बताना चाहिए था, आपने बताया क्यों नहीं, आपने कहा क्यों नहीं, फिर तू मैं वाली बात होती है, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो आपकी MIS जो है वो इस तरह से डेवलप करनी है। मैं उसके कुछ एक स्टेप्स आपको नैरेट कर लेता हूँ। नंबर 1, हर एक डिपार्टमेंट के टारगेट डिसाइड कर दीजिए कि वो डिपार्टमेंट के पास आपको इच्छित परिणाम क्या चाहिए, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2, हर एक डिपार्टमेंट के पास ये इंफॉर्मेशन सिस्टम आपके पास आनी चाहिए हर रोज़, वीकली और मंथली लेवल पे। तीसरी चीज़, हमेशा चेक कीजिए कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन आई है वो ग्राफिकल वे में हो, उसके बार चार्ट बना लीजिए, ग्राफ बना लीजिए, पाई चार्ट बना लीजिए और ग्राफ से ही मॉनिटर कीजिए ताकि उनकी जो ट्रेंड है वो आपको पता चले। चौथी चीज़ है, हमेशा चेक करते रहिए कि जो डेटा आपके पास आ रहे हैं वो डेटा करेक्ट है और कोरिलेटेड है। पांचवी चीज़ है, अगर आपको कहीं पे कोई कंक्लूजन मिलता है तो उसको एक्शन में तब्दील करना मत चुकिए। सिर्फ डेटा कलेक्शंस करने से या ट्रेंड एनालिसिस करने से इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, एक्शन जब आप लेंगे तभी वहाँ से आउटपुट मिलेगा। मेजोरिटी ऑर्गेनाइजेशंस में हमने ये देखा गया है कि जितनी भी बार हम काम करते हैं वहाँ पे डेटा बहुत सारे होते हैं लेकिन एक्शन नहीं ली जाती हैं और इसकी वजह से रिजल्ट नहीं मिलता है। और जो एक्शन है उसको आप कंटिन्यूस लेवल पे अप्लाई करें और चेक करें कि वो इम्प्लीमेंट हुए कि नहीं हुए हैं। अगर नहीं हुए तो स्टाफ में मोटिवेशनल फैक्टर्स की कमी है तो वहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दें, और वहाँ पे क्या कोई ऐसे मोटिवेशनल फैक्टर्स, रिवार्ड्स एंड रिकग्निशन फैक्टर्स को इम्प्लीमेंट कीजिए ताकि उनको काम करने के लिए उत्साहदायक वातावरण पूर्ण किया जाए। तो आज जो ये 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के, वो अगर आप अपनी इंडस्ट्रीज में इंप्लीमेंट करते हैं और क्या फ़र्क आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिएगा। हमारा एक और वीडियो मैं लॉन्च कर रहा हूँ जो हम बात कर रहे हैं 3 लीन प्रिंसिपल्स दैट यू कैन इम्प्लीमेंट जस्ट इन 1 डे।
आप लीन प्रिंसिपल्स जो है वो सिर्फ एक दिन में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऐसा एक नया वीडियो हम लॉन्च कर रहे हैं। पूरे वीडियो को आपने देखा ही है और नए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।